लिखेंगे तो अपवर्ड पोजीशन में टर्टल मूव करेगा. नेक्स्ट इज RT45 विल टर्न द टर्टल्स नोज डायगोनली ऑन द राइट साइड. RT45 हम टाइप करेंगे तो जो टर्टल का नोज है वो राइट साइड में डायगोनली मूव होगा. मींस जैसे ये इनिशियल पोजीशन है तो हम RT45 टाइप करेंगे तो इस साइड मूव कर देगा. RT90 विल टर्न द टर्टल्स नोज इन द सेमी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑन द राइट साइड. यहाँ से हम अगर RT90 करेंगे तो इस वे में सेमी ऑपोजिट पोजिशन में टर्टल राइट साइड में मूव करेगा. RT180 विल टर्न टर्टल्स नोज इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन. अगर हम RT180 टाइप करते हैं तो जो उसका टर्टल का इनिशियल पोजिशन है उसके बिल्कुल अपोजिट साइड में RT180 में हो जाएगा. नेक्स्ट इज RT360 विल ब्रिंग बैक द टर्टल टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन. और RT360 हम करेंगे तो समझो 180 में ये फिर अगेन मूव करेगा तो 360 मीन्स जैसा इसका इनिशियल पोजिशन है सेम पोजिशन में वो मूव करेगा. ऑलवेज रिमेंबर टू लीव अ स्पेस बिटवीन RT एंड द डिग्री. हमेशा ये रिमेंबर याद रखना कि हम RT लिख के हमेशा बीच में स्पेस लिखेंगे उसके बाद ही हम डिग्री लिखेंगे. द कमांड RT90 इज रॉन्ग. अगर हम इस तरह से बिना स्पेस से लिखेंगे तो ये रॉन्ग कमांड होगा. द कमांड RT360 इज ऑल्सो रॉन्ग. और ये भी हमारा कमांड रॉन्ग है क्योंकि हमने बीच में डिग्री और RT के बीच में हमने स्पेस नहीं छोड़ा. द करेक्ट कमांड इज राइट. कमांड कैसा है लिखने के लिए? RT स्पेस 90 डिग्री एंड RT स्पेस 360. ये राइट वे है तुमको कमांड लिखने का. लेट्स ड्रॉ अ रेक्टेंगल विद RT एंड FD कमांड्स. अब हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं RT और FD कमांड से. क्वेश्चन मार्क FD40. तो क्वेश्चन मार्क FD40 मीन्स फॉरवर्ड जाएगा 40. फिर क्वेश्चन मार्क RT90. तो फॉरवर्ड जाने के बाद अगर हम उसके नीचे ये लिखेंगे तो यहाँ से वो राइट साइड 90 डिग्री में मूव करेगा. उसके बाद फॉरवर्ड 60 मीन्स मूव करने के बाद और फॉरवर्ड 60 जाएगा.